हाय एवरीवन, मैं हूँ शिवांगी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लासी भवा किचन में। तो गाइस, आज मैं आपसे एक बेहद इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जिसमें व्हिपिंग क्रीम के बारे में मैं आपसे कंप्लीट और डिटेल जानकारी शेयर करूंगी और साथ ही बिना किसी इलेक्ट्रिक बीटर के, बिना किसी केक टूल के आप कैसे व्हिपिंग क्रीम को हाथों की ही हेल्प से एकदम बेकरी स्टाइल परफेक्ट व्हिप कर सकते हैं, ये भी मैं आज वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। और गाइस, सच कहूँ तो ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में हमेशा हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स अपनी डाउट्स या अपने प्रॉब्लम्स बताते रहते हैं क्रीम के बारे में। तो इसलिए आज क्या क्या मैं इस वीडियो में बताऊंगी, इसका ब्रीफ मैं आपको दे देती हूँ। तो सबसे पहले तो व्हिपिंग क्रीम होती क्या है, कितने तरह की होती है, ये कहाँ मिलती है, किस रेंज में आती है, किन बर्तनों में आप क्रीम को बीट कर सकते हैं, बिना केक टूल के हाथों की ही हेल्प से आप कैसे परफेक्ट बेकरी के स्टाइल की क्रीम बीट कर सकते हैं घर पे, व्हिपिंग क्रीम को स्टोर कैसे करना है, कितने दिन चलती है ये, व्हिपिंग क्रीम को परफेक्टली बीट करने का सही तरीका क्या है, क्रीम को स्टिफ रखने का बेकरी वाला सीक्रेट क्या है, ऐसा क्या करें कि क्रीम मेल्ट ना हो, क्रीम में कलर मिक्सिंग कैसे करें, और भी ढेर सारी छोटी बड़ी और इंपॉर्टेंट बातें और इन्फॉर्मेशन मैं क्रीम के बारे में आज आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस, करते हैं वीडियो का शुभारंभ। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने व्हिपिंग क्रीम के कुछ बॉक्सेस रखे हुए हैं, 1-1 kg के बॉक्सेस हैं ये, और इस तरह से फ्रोजन फॉर्म में अवेलेबल होती है व्हिपिंग क्रीम। जैसे आइसक्रीम आती है ना, वनीला आइसक्रीम, बिल्कुल उसी तरह की होती है ये। और जब आप इसे परचेज करने जाते हैं तो एकदम ठंडी ठंडी, एकदम फ्रोजन फॉर्म में हमें मिलती है, और इसे स्टोर भी हमें करना होता है फ्रीजर में। जी हाँ फ्रेंड्स, फ्रिज के सेक्शन में नहीं, फ्रीजर के सेक्शन में, जहाँ पे हम बर्फ जमाते हैं ना। तो गाइस, व्हिपिंग क्रीम केक्स को फ्रॉस्ट करने के लिए या फिर केक की आइसिंग करने की क्रीम होती है, जो स्पेसिफिकली डिजाइन की जाती है किसी भी तरह की केक की आइसिंग के लिए, फ्रॉस्टिंग के लिए, डेजर्ट्स बनाने के लिए या पुडिंग वगैरह बनाने के लिए। नाउ ये जनरली 3 तरह की होती है, डेयरी व्हिपिंग क्रीम, नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम एंड व्हिपिंग क्रीम का पाउडर भी आजकल बड़ा पॉपुलर हो गया है। तो जनरली केक्स वगैरह बनाने के लिए ना, हम नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बीट बहुत अच्छे से होती है और स्टे भी बहुत अच्छे से करती है। नाउ इन सब में अंतर क्या होता है, तो नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम, जैसे कि नाम से ही सजेस्ट होता है, ये डेयरी फ्री प्रोडक्ट होता है। वहीं दूसरी तरफ डेयरी व्हिपिंग क्रीम बनी होती है डेयरी प्रोडक्ट से, मतलब जो मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं या फिर मिल्क पाउडर होता है उससे मिलके बना होता है। देन पाउडर व्हिपिंग क्रीम, ये पाउडर फॉर्म ऑफ क्रीम होती है, जिसमें ठंडा दूध या फिर ठंडा पानी मिक्स करके इसे भी कन्वर्ट किया जा सकता है व्हिपिंग क्रीम में। और गाइज, इसकी भी रेसिपी मैंने अपने एक वीडियो में शेयर की है, आप चाहें तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, उसे चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही जो व्हिपिंग क्रीम का पैक आता है, इसके साइड में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है पैक पे, जैसे कि आपको किस टेम्परेचर पे स्टोर करना है, कितनी इसकी डेट है, मतलब जनरली हर एक व्हिपिंग क्रीम का उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है वहां से लेकर के 1 साल के अंदर उसकी एक्सपायरी डेट होती है। और ये शेल्फ लाइफ होती है व्हिपिंग क्रीम की जब उसका बॉक्स आपने खोला नहीं है। जब बॉक्स खुल जाएगा तब हम क्या करेंगे वो आगे हम वीडियो में देखेंगे। साथ ही फ्रेंड्स, अगर व्हिपिंग क्रीम के ब्रांड्स की बात करें तो नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम बड़े सारे ब्रांड्स में इंडिया में अवेलेबल होती है, जैसे कि अमूल व्हिपिंग क्रीम, टोपोलाइट व्हिपिंग क्रीम, क्रीम बेल व्हिपिंग क्रीम, सुपरनोवा व्हिपिंग क्रीम, स्टार व्हिपिंग क्रीम और बहुत सारे दूसरे ब्रांड्स। आपके आसपास जो भी ब्रांड अवेलेबल हो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही इन सब की रेंज में भी डिफरेंस आता है, प्लेस टू प्लेस भी आता है, और हर एक ब्रांड की क्रीम का भी रेट अलग होता है, और 100 rupees से लेकर के 200 rupees तक पर kg ये कॉस्ट करते हैं जनरली। और अगर अवेलेबिलिटी की बात करें तो हर एक केक मटेरियल शॉप पे अवेलेबल होते हैं, और आजकल तो बहुत सारी बेकरीज भी अवेलेबल करती हैं, सेल ऑफ करती हैं व्हिपिंग क्रीम्स को। नाउ ये तो हो गई हमारी व्हिपिंग क्रीम। अब आते हैं एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे, जो है कि क्या हम अमूल क्रीम को व्हिप करके केक्स की फ्रॉस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और ये देखिए, मैं अपना एक एक्सपेरिमेंट आपको दिखाती भी हूँ। यहाँ पे मैंने 1 packet चिल्ड अमूल क्रीम को अच्छे से व्हिप किया, तो पहले तो थोड़ी थोड़ी सी गाढ़ी हुई, और जैसे जैसे मैंने इसको व्हिप करना जारी रखा ये बिल्कुल पतली पतली दूध के जैसी हो गई। स्टिफ पीक्स बनना तो छोड़ दीजिए। तो इसीलिए गाइज, ऐसा बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है, ये व्हिप क्रीम में बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं होती है, प्लीज डोंट ट्राई, ये काम नहीं करेगी। तो गाइज, जहाँ व्हिपिंग क्रीम की बात आई है वहाँ इसे बीट करने की भी बात आएगी। तो मैंने आपको पहले ही इंट्रोडक्शन में बताया था कि आज मैं हाथ से ही बीट करके दिखाऊंगी आपको क्रीम को, बट अगर आपके पास में इस तरह का इलेक्ट्रिक बीटर है या फिर आप परचेज करने की सोच रहे हैं, तो इसीलिए मैं इसके बारे में भी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। तो गाइज, फिलहाल मेरे पास 2 तरह के इलेक्ट्रिक बीटर है क्रीम के लिए,
पहला इलेक्ट्रिक बीटर जो कि 300 वॉट का है और दूसरा इलेक्ट्रिक बीटर जो कि 800 वॉट का है। नाउ गाइस ध्यान रखने वाली बात, जब भी आप इलेक्ट्रिक बीटर खरीदें क्रीम बीट करने के लिए कभी भी 300 वॉट से कम का नहीं खरीदें, क्योंकि अगर इसकी मोटर में कम पावर होगी तो जब आप क्रीम बीट कर रहे होंगे ना तो इसकी मोटर अपने आप ही गर्म होना शुरू हो जाएगी, फिर क्रीम व्हिप करना तो दूर की बात है, इसकी गर्मी से क्रीम मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, मतलब उसमें स्टिफ पीक्स आने बड़े मुश्किल हो जाएंगे। तो इसीलिए क्रीम व्हिप करने के लिए हमेशा 300 वॉट से ऊपर का ही इलेक्ट्रिक बीटर खरीदें। ये जो दूसरा वाला इलेक्ट्रिक बीटर है 800 वॉट का, ये मैंने इसलिए खरीदा था जब ढेर सारी क्रीम मुझे एक साथ बीट करनी होती है, जैसे कि 3 कप हो गया या 4 कप हो गया, जैसे हम कभी 2 टियर केक बनाते हैं या फिर बड़े केक्स बनाते हैं, तो उनके लिए ना एक साथ ढेर सारी क्रीम इससे आप व्हिप कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप होम बेकर हैं या फिर आप बेकरी का बिजनेस करते हैं तो आपको थोड़े से ज्यादा वॉट का लेने की जरूरत है, जिसकी मशीन थोड़ी सी ना हैवी ड्यूटी हो, 500 रुपए की रेंज से लेकर के जनरली 2500 तक की रेंज में अच्छे खासे इलेक्ट्रिक बीटर अवेलेबल होते हैं मार्केट में, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के, आप जिसको भी रिलाय करते हो आप उस ब्रांड का इलेक्ट्रिक बीटर ले सकते हैं। साथ ही इलेक्ट्रिक बीटर्स में डिफरेंट डिफरेंट स्पीडोमीटर्स होते हैं, मतलब लो स्पीड से लेकर के हाई स्पीड तक का फंक्शन होता है, और इसके जो ब्लेड्स होते हैं ना वो हमेशा डिटैचेबल होते हैं, मतलब इसमें एक इजेक्ट की बटन होती है, उसे आप प्रेस करेंगे तो ये ब्लेड्स इलेक्ट्रिक बीटर के बाहर निकल आएंगे, और उसके बाद जब ये वापस इंसर्ट करेंगे आप ब्लेड्स को इन होल्स पे, तो ये दोबारा अपनी जगह पे सेट हो जाएंगे और ये फिट टू यूज़ है इलेक्ट्रिक बीटर, राइट। तो गाइज सबसे पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप फ्रीक्वेंटली व्हिप करते हैं क्रीम को तो आप एक इलेक्ट्रिक बीटर जरूर परचेज कर लें, क्योंकि हर बार हाथ से व्हिप करने में क्रीम को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, और ये सबसे ज़्यादा रिलायबल और सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका होता है क्रीम को व्हिप करने का, स्टिफ पीक्स लाने का। सो इट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट टूल जो आपके किचन में होना चाहिए अगर आप केक बेकिंग के शौकीन हैं। नाउ अब बात आती है क्रीम को व्हिप करने के लिए बर्तन की। तो गाइज आप कांच के बर्तन ले सकते हैं, स्टील के बर्तन ले सकते हैं, प्लास्टिक के बर्तन ले सकते हैं, कोई भी मेटल चलेगा। जनरली आपने देखा होगा मैं वीडियोस में कांच के बर्तन इस्तेमाल करती हूँ, तो गाइज उसका बस सिंपल सा फंडा है कि जो स्टील के बर्तन होते हैं ना उनमें अगर आप व्हिप करेंगे क्रीम को तो उसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं इलेक्ट्रिक बीटर के या फिर जिस भी चीज से आप बीट कर रहे हैं क्रीम को। ना अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं क्रीम को व्हिप करने के लिए, तो जनरली हम सभी के घरों में इस तरह के बीटर तो होते ही हैं, राइट। तो इस तरह के बीटर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्रीम को व्हिप करने के लिए। और गाइस साथ ही में मैं इस तरह के स्पैटुलास का भी इस्तेमाल करती हूँ क्रीम को बोल के साइड से सेंटर पे लाने के लिए। इससे क्या होता है कि बड़ी नीटली क्रीम सारी की सारी एक जगह पे आ जाती है, वेस्ट नहीं होती है चिपक करके बोल वगैरह में। नाउ गाइस अब बड़े पते की बात, तो आपने हमेशा देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना तो क्या होता है कि क्रीम जल्दी जल्दी मेल्ट होने लगती है, और अगर बन भी जाए स्टिफ पीक्स तो बड़ी ही जल्दी फ्लैट हो जाते हैं। तो जनरली बेकरीज में क्या करते हैं ना, इस तरह का सिट्रिक एसिड इस्तेमाल करते हैं व्हिपिंग क्रीम में। नाउ ये क्या होता है सिट्रिक एसिड, इसे नींबू का सब भी कहते हैं हिंदी में, और ये देखिए इस तरह के क्रिस्टल्स जैसे होते हैं, जैसे शक्कर होती है ना बिल्कुल वैसे होता है, लेकिन ये मीठा नहीं होता, बहुत ज़्यादा खट्टा होता है ये गाइस। तो अगर आपके कभी क्रीम बनाते टाइम मुश्किल आ रही है, स्टिफ पीक्स नहीं बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा हॉट वेदर है, तो बिल्कुल चुटकी भर इस तरह का सिट्रिक एसिड लेके इसको पीस करके क्रीम में ऐड कर दीजिए, होगा क्या कि इमिडिएटली इसके इफेक्ट से क्रीम ना स्टिफ हो जाएगी, राइट। लेकिन अगर बिना इसके हो सकती है स्टिफ क्रीम तो नथिंग लाइक इट, नहीं हो रही है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में करें, बहुत खट्टा होता है ये। तो अभी शुरू करते हैं क्रीम को व्हिप करने का प्रोसेस। तो इस तरह का फ्रोजन 1 kg का व्हिपिंग क्रीम का पैक हम मार्केट से लेके आए थे, और इसको हमने रात भर के लिए फ्रीजर से हटा करके फ्रिज वाले साइड पे रख दिया था, जहाँ पे हम पानी वगैरह ठंडा करते हैं ना वहाँ पे रख दिया था ओवरनाइट। तो अभी इसकी सारी क्रीम मेल्ट हो चुकी है, राइट। तो अभी ये एकदम चिल्ड है, एकदम ठंडा। तो अभी हम शेक करेंगे इस बॉक्स को ताकि सारी की सारी क्रीम अच्छे से मिक्सअप हो जाए आपस में, और अभी हमें ओपन करना है इसके पैक को। तो गाइज इसके लिए हमें कोई सीजर वगैरह की जरूरत नहीं है, इस तरह का ये देखिए डायरेक्शन दिया हुआ है टॉप पे, और वीडियो में दिखाए गए तरीके से हम इसे एक साइड से खोलना स्टार्ट करेंगे और ऊपर से पूरा टर्न कर देंगे। तो व्हिपिंग क्रीम का पैक इस तरह से कुछ खुल जाएगा, और इसके एक कॉर्नर से हम व्हिपिंग क्रीम को पोर करेंगे। नाउ व्हिपिंग क्रीम निकालने के बाद जो बची हुई क्रीम है बॉक्स में, उसको ये देखिए मैं तो सिमिलर तरीके से वापस बॉक्स को बंद कर देती हूँ इस तरह से, और इसे ले जा करके हम फ्रीजर में रख देंगे। और अगर आप चाहें तो इसको क्रीम को किसी एयर टाइट कंटेनर में पहले ट्रांसफर कर दें और फिर जा करके इसको वापस फ्रीजर में स्टोर कर दें। एंड गाइस फ्रीजर में ही स्टोर करना है, और एक बार पैक खुलने के बाद में करीब 15-20 दिनों तक फ्रीजर में इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं, प्रोवाइडेड कि लाइट बीच में ना जाए और जो फ्रीजर का टेम्परेचर है कम्प्लीटली इसको फ्रोजन रखे ऑल द टाइम, राइट। नाउ अब मैंने एक बड़ा बोल ले लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ ढेर सारा आइस,
और इसके ऊपर मैं रख ले रही हूँ एक बोल जिसमें हम अपनी क्रीम को ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे मैं करीब 1.5 कप क्रीम डाल रही हूँ। तो गाइज ये देखिए बोर करते हुए आपको समझ में आ रहा होगा, जो गाढ़ी रबड़ी जैसी होती है ना, बिल्कुल वैसे ही व्हिपिंग क्रीम निकल रही है ये। और इसमें एक भी आइस क्रिस्टल नहीं है, मतलब बर्फ का कोई भी टुकड़ा जैसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए गाइज, अदरवाइज आपके क्रीम में स्टिफ पीक्स बिल्कुल नहीं आएंगे। और बाय चांस अगर कोई भी आइस क्रिस्टल रह गया है तो पहले उसके मेल्ट हो जाने का वेट कर लें, उसके बाद में व्हिपिंग स्टार्ट करें। तो गाइज यहाँ पे क्वांटिटी की बात, अगर आप 1/2 kg का यानी कि 1 pound का केक बना रहे हैं तो उसके लिए करीब 1 cup क्रीम सफिशिएंट रहेगी। अगर ज्यादा आप डेकोरेशन वगैरह करना चाहते हैं तो 1/4 cup क्रीम बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। तो आज मैं इसे हैंड बीटर से ही बीट करने वाली हूँ, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक टूल नहीं हम इस्तेमाल करेंगे। बट गाइज कमर कस लीजिए, जब भी आप हाथ से बीट करेंगे क्रीम तो इसमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो गाइस 10 मिनट तक लगातार जब मैंने व्हिप किया है क्रीम को, आपने देखा वीडियो में, तो इस तरह के बबल्स जैसे, इसमें बुलबुले जैसे आने शुरू हो गए, मतलब सही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। बस आपको 2 फंडे हमेशा याद रखने हैं। पहली चीज, आपकी क्रीम परमानेंट ठंडी बनी रहनी चाहिए, इसका टेम्परेचर गर्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज, आपको इसे व्हिप करते रहना है परमानेंटली, जब तक कि स्टिफ पीक्स नहीं बन जाते हैं आपको इसे व्हिप करते रहना है। साथ ही गाइज ये व्हिपिंग क्रीम पहले से ही मीठी होती है तो शक्कर वगैरह मिलाने की जरूरत नहीं है। इन केस आप एडिशनल मीठा चाहते हैं तो उसके लिए पिसी हुई शक्कर इसमें ऐड कर सकते हैं। और साथ ही व्हिपिंग के दौरान ही जिस भी फ्लेवर का केक आप बना रहे हैं उसका एसेंस भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अभी फर्दर 10 मिनट तक इसे और बीट करने के बाद ये थोड़े से थिक फॉर्म में आना शुरू हो गई है। बबल के बाद ये आई है थिक वाली स्टेज। तो गाइज एवरी 10 मिनट्स के बाद हैंड बीटर से बीट करने के बाद क्रीम की क्या स्टेज आती है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए अगले 10 मिनट के बाद सेमी सॉफ्ट पीक्स बन रहे हैं, मतलब जब आप इस हैंड बीटर को टच करा के क्रीम में ऊपर उठाएंगे तो हल्का सा ऊपर उठेगी क्रीम, लेकिन तुरंत ही छूट के ये फ्लैट हो जाएगी। फिर से अगले 10 मिनट तक हमें फिर से इसे बीट करना है। और गाइज आप ये चीज़ और नोट करेंगे कि जैसे जैसे गाढ़ी होती जा रही है क्रीम, वैसे वैसे इसे बीट करना हाथ से मुश्किल होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये टाइट होती चली जा रही है। अगले 10 मिनट बाद ये देखिए स्लाइटली स्टिफ पीक्स इसमें बनने शुरू हो गए हैं, मतलब अभी इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमने परमानेंटली इसको ठंडा रखा है और परमानेंटली इसे बीट किया है। जहाँ पे अभी हम इसे बीट कर रहे हैं वो भी ठंडी जगह है, राइट? तो जी हाँ गाइज, सबसे पहला कन्फेशन, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हो चुके हैं इसे बीट करते हुए। एंड ट्रस्ट मी गाइज, जो सॉफ्ट पीक्स होते हैं ना वहाँ से लेकर के जो स्टिफ पीक्स बनने के बीच की स्टेज होती है उसमें बीट करना बहुत मुश्किल होता है हाथ से, क्योंकि इसकी व्हिपिंग ना बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, बहुत टाइट हो जाती है। और ये देखिए अगले 5 मिनट तक और बीट करने के बाद ये देखिए इसमें बिल्कुल परफेक्ट स्टिफ पीक्स बनने शुरू हो गए। तो गाइज हमारी क्रीम तो अच्छे से व्हिप हो चुकी है। अच्छा, अब आप पता कैसे करेंगे कि बिल्कुल परफेक्टली व्हिप हो गई आपकी क्रीम? तो ये देखिए स्पैटुला या फिर बीटर को जब आप टच करेंगे क्रीम से और ऊपर उठाएंगे तो ये देखिए एक पीक के जैसा फॉर्म होता है जो फ्लैट नहीं होगा, अपनी शेप में ही बना रहेगा। और अगर आप इस बोल को उल्टा करेंगे तो क्रीम बिल्कुल भी नीचे नहीं आएगी, अपनी जगह पे ही स्टेबल रहेगी। तो गाइज हमारी क्रीम तो अच्छे से व्हिप हो चुकी है, तो स्पैटुला की हेल्प से सारी क्रीम हम सेंटर में ला रहे हैं। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है या फिर पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसको अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली से, और क्लासी बाउ किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। प्रेस कीजिएगा बेल आइकॉन ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। नाउ इस क्रीम के बोल में से थोड़ी सी क्रीम लेकर के मैंने एक अलग बोल में डाली है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पिंक जेल फूड कलर, और इसको हम लाइटली मिक्स करेंगे। तो गाइज यहाँ पे 2 चीज़ें, सबसे पहले तो पॉसिबल हो तो जेल फूड कलर यूज़ करें क्रीम में, उसे मिक्स करने पे आपकी क्रीम जो है वो सॉफ्ट नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो इसमें लिक्विड फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसे ऐड करने के बाद क्रीम हल्की सी लूज हो जाएगी, इसलिए इमिडिएटली उसको यूज़ करें, उसको रख के आप बाद में नहीं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि क्रीम उससे बिल्कुल लिक्विडी हो जाएगी। दूसरी चीज, जब भी कलर मिक्स करें तो क्रीम में हल्के हाथों से मिक्स करें, बिल्कुल सॉफ्टली, आपको व्हिप नहीं शुरू कर देना है करना, अदरवाइज व्हिपिंग के थोड़ी देर के बाद ही वो क्रीम लूज पड़ जाएगी। और ये देखिए पिंक क्रीम भी तैयार हो गई है, तो यहाँ पे मैंने 1 mm नोजल ले लिया है, सबसे ज्यादा पॉपुलर नोजल, और इसमें मैं ये पिंक वाली क्रीम ट्रांसफर कर ले रही हूँ और साथ ही व्हाइट वाली क्रीम भी मैं दूसरे 1 mm नोजल में ट्रांसफर कर ले रही हूँ। चलिए मैं इससे आपको पाइपिंग करके दिखाती हूँ हमारी हैंड बीटन क्रीम से कैसी पाइपिंग होती है। तो ये देखिए गाइज मैं व्हिप्ड क्रीम को एक बोल में सबसे पहले पाइप कर रही हूँ एंड यू कैन मेक आउट कितने क्लियर कट्स आ रहे हैं ये नोजल के और कितनी स्टिफ और कितनी स्टेबल क्रीम बनी है, पीक्स कितने अच्छे आए हैं। इसे देख के बिल्कुल नहीं लग रहा है कि किसी बिना इलेक्ट्रिक बीटर के ही आपने हाथों से ही इतनी परफेक्ट क्रीम व्हिप की है। पिंक वाली क्रीम को भी हम पाइप कर लेते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं मेहनत सफल हो गई है।
नाउ गाइस, आपकी क्रीम फ्रॉस्टिंग करते टाइम कभी भी मेल्ट ना हो, बिल्कुल परफेक्ट बनी रहे, इसके लिए ज़रूरी है जितनी आपको फ्रॉस्टिंग के लिए ज़रूरी है क्रीम उतनी आप अपने पास रखें और बाकी की सारी क्रीम जा करके फ्रिज में रख दें ताकि इसका टेम्परेचर जो है मेंटेन रहे, राइट। और चलिए अब चलते हैं डेकोरेशन की तरफ। तो सेम नोजल से अभी हम बनाएंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, स्टार्स, बॉर्डर एंड लुक एट दिस गाइस, बिल्कुल परफेक्ट रोजेट्स बन रहे हैं। रोजेट्स परफेक्ट बनना मतलब आपकी क्रीम बिल्कुल परफेक्टली व्हिप हुई है, कट सारे बहुत प्रॉपर आ रहे हैं, राइट। तो गाइज ये थी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन व्हिपिंग क्रीम के बारे में, उसे परफेक्टली व्हिप करने के बारे में। आई होप कि आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत यूजफुल प्रूव होगी जब भी आप क्रीम व्हिप करेंगे। और अगर आपको यूजफुल लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। इसी के साथ में अगर आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं व्हिप क्रीम के बारे में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। कोई और डाउट है या फिर कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगी आपके क्वेश्चन का या आपकी क्वेरीज का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।